उसी की जगह है, उसी के तहत न्याय मिले। अच्छा सर, महादेव वाइफ वाले मामले में भूपेश बघेल के खिलाफ जो है चार्जशीट हुआ है, क्या कहेंगे? आप क्या बातें कर रहे हो आप, आपको सब पता है। अच्छा बलिया से बेहतर कौन जानता होगा, यहाँ के पत्रकार साथियों को लड़ना पड़ा था, इसमें हो सकता कोई हो, सभी लोग आपको कितना लड़ना पड़ा और सच के लिए लड़ना पड़ा, और क्योंकि आप सच्चे थे इसलिए आपको न्याय मिला। ये बात सहमत है ना आप? तो ये बीजेपी के लोग किसी को भी फंसा सकते हैं, जब आपको नहीं छोड़ रहे हैं तो किसी भी लीडर को कहीं भी फंसाया जा सकता है। अरे ऐसो आप रख लीजिए अपना, तो क्या करेगा ऐसो आपका। अच्छा सर, अंत में सिर्फ एक सवाल, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान देते हैं, कई बार आप उनका समर्थन करते हैं, कई बार आप उनको नसीहत भी देते दिखाई दिए, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन और हिंदू धर्म को लेकर बयानों से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए सवाल फायदा और नुकसान का नहीं है, कुछ चीज़ें बहुत पुरानी हैं, उनको कुरेदना नहीं चाहिए। और फिर सजा की बात हो तो आपको याद होगा डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी किसको कहा था। इसी तरह एक और नेता थे, उन्होंने क्या भाषा इस्तेमाल की थी भगवान के बारे में, और फिर एक और नेता थे वो क्या कहते थे, चल सन्यासी, उसकी अगली लाइन आप जानते हो क्या है। तो सोचिए आप, तो अगर उनके खिलाफ बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है, उनके साथ गले में गले हाथ रख करके उनको बढ़ावा दे रही है, उनका सम्मान कर रही है, तो आप दूसरों से क्या उम्मीद करोगे आप?